सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आज है 4 जनवरी और आज फाइनली मैं शिमला को छोड़ के जा रहा हूँ। और थोड़ा सा ना आज मेरे को बड़ा गंदा सा ही फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं कल रात से यही चीज सोच रहा हूँ कि यार शिमला छोड़ रहा हूँ, पता नहीं शिमला कब आऊंगा वापस। और ये देखो यहाँ पे पैकिंग जो है सारी हो चुकी है। मैं तो जाऊंगा 1 बजे, तो निधि तो मेरे को पहले ही अलविदा करके जा रही है। यार मेरा भी अब कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो मम्मी पापा आए हैं लेने के लिए, तो ये जा रही है। चलो ठीक है, बाय बाय। चल ठीक है, बाय। निधि जा रही है फाइनली, चल बाय। रोना नहीं है, ठीक है? सो गाइस, निधि जो चली गई है एंड 1.5 घंटे बाद मैं भी निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो थोड़ी लेट है। 1.5 बजे की गाड़ी है मेरी। लिटरली गाइस, सच्ची बताऊ मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं शिमला छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं पहली बार जो है अब निधि से थोड़ा दूर रहूंगा, पता नहीं कैसा है यार, पर सीरियसली बताऊं मेरे को रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों पर रोना आ रहा है यार। इस अपनी भी जो तैयारी है फुल हो चुकी है। देखो रजाई रुजुई बांध ली है घर लेके जाने के लिए और गाड़ी आने वाली है 15-20 मिनट में, इंतजार किया जा रहा है। और निधि चली गई है एंड मैं इतने दिनों से बोल रहा था यार स्नोफॉल नहीं हो रही, स्नोफॉल नहीं हो रही। अभी निधि निकली है, रास्ते में उसको स्नोफॉल मिल गई। मतलब मेरी किस्मत ऐसी क्यों है यार, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ मैंने स्नोफॉल देखनी है, स्नोफॉल देखनी, लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रही। और मैं निधि को बोल रहा था जिस दिन मैं जाऊंगा ना उस दिन स्नोफॉल होगी, और देखो आज हो गई है। और आज तो आसमान भी रो रहा है, मैं और निधि जा रहे हैं, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, अच्छे से रो रहा है आसमान। गाइस निधि ने जो है मेरे को ये क्लिप भेजी थी जब वो कुफरी पहुंची, तो कुफरी में बहुत ही सुंदर नजारा था, आप देख ही सकते हो बर्फ पड़ रही है। सो गाइस अभी जो है 3 बज रहे हैं और अभी हम निकले हैं शिमला से। तरपाल डाल के कवर करा जा रहा है बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यार। और पीछे जो सामान है ना, पीछे सामान देखो कैसे ढो रखा हमने भाई, ठंड च उत्तों बारिश पै रही है, तंग हो गए भाई, इन्हें भी तंग करता नहीं, कोई चक्कर नहीं भाई। सो गाइस मौसम जो है 1 नंबर हो रखा है, इधर देखो भाई बदल ही बदल ने, 1 नंबर। गाइस अभी बहुत ज्यादा भूख लगी तो हम यहाँ पे रुक गए हैं एक जगह पे खाने के लिए। और यहाँ पे मस्त व्यू है यार, व्यू चेक करो, यहाँ से व्यू चेक करो, जन्नत में आ गए हो जैसे। जो है हमने पराठा चाय और पहाड़ों में आए हूँ और मैगी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सब ऑर्डर करा है आप सीखते हैं और उसके बाद अपना खाना पुना खाते हैं। तो अपना आ चुका पराठा, मैगी अपना खत्म कर चुके हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो अभी जो है जस्ट चंडीगढ़ क्रॉस करके आगे खरड़ रुके हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ड्राइवर पाजी हैं वो चेंज होंगे, इन्होंने चंडीगढ़ ही रुकना है। जो ड्राइवर पाजी हैं नए वाले आएंगे और वो लेके जाएंगे हमें अब लुधियाना। अभी रात के जो है 7:30 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से 9 बजे तक लुधियाना और 9:30 घर पहुँचेंगे। तो गाइस घर आया था, घर आते ही पॉपआउट हो गया, शोकेश नीचे गिर चुका है ये देखो, और मेरे सारे प्राइजेस टूट गए हैं। मेरे प्राइजेस गाइस, मेरे प्राइजेस, ये तो जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ दिखाओ यार। और ये देखो गाइस क्या हाल हो गया, वो टूट गए हैं मेरे सारे प्राइजेस यार, इतने सालों की मेहनत, मेरे स्कूल के 2 टुकड़े हो गए शीशे, शुक्र है कोई सुत्ता नहीं थी ये बचा हो गया, अगर कोई सोया होता ना तो गया था वो। ये इतो टूट गया ना, इस पे भी चिप बदल गया, आ देखो गाइस चिप पै गया इसे। मम्मी कह रही घर कैसा लग रहा है, सामान सारा बाहर पड़ा है ना, मैंने कहा मम्मी मुसाफिर आए हैं आज घर पे, अब मम्मी के हाथ की चाह मिलूगी मेनू। सो गाइस जस्ट अभी उठा हूं एंड ये देखो सुबह सुबह मेरे पास फोन आया है, ये देखो सुबह सवेरे सवेरे आ जाते हैं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं। देखो गाइस क्या करेगी, कालो 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 निकालो। तो गाइस अभी ना जो है मुझे आप सब लोगों से एक बात करनी थी, जैसा कि मुझे सबको पता है कि आप लोग जो है मेरे और निधि साथ में व्लॉग देखना पसंद करते हो, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मैं शिमला छोड़ चुका हूँ तो अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल है हम दोनों के साथ में व्लॉग्स आएंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के साथ व्लॉग्स देखना पसंद करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं भी करते तो अब आदर डाल लेना, फैमिली के साथ ही व्लॉग्स आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कुछ करें। और मुझे नहीं पता मैं निधि से अब कब मिलूंगा,
साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, मुझे खुद नहीं पता कब मिलूंगा। तो जब भी मिलेंगे फिर आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा, व्लॉग बनाऊंगा जब। और बाकी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अपनी मम्मा के साथ, अपनी सिस्टर के साथ क्या चैलेंज वीडियोस बना सकता हूँ, तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगा और आपको एंटरटेन करूंगा और कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा। एंड यहाँ पे घर पे भी जो व्लॉग्स बनाऊंगा उसमें भी कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर ना हो। और थोड़ा सा ना, मेरे घर वाले हिंदी नहीं बोलते हैं तो पंजाबी बोलते हैं, उस वजह से आई थिंक कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो वो भी एडजस्ट कर लेना यार। मैं हिंदी में बात करूंगा लेकिन मेरे मम्मी और जो मेरी बहन है वो हिंदी में बात नहीं करते हैं, उनको क्योंकि बोलनी नहीं आती इतनी, तो वो थोड़ा अटकते हैं, तो वो पंजाबी में भी बोलते हैं, तो समझने की कोशिश करना, पर इसमें भी आपको मजा आएगा। तो एक चैलेंज मैंने सोचा है कि पूरा 24 आवर्स करेंगे, मम्मी और मनीषा हिंदी बोलेंगे पूरा दिन, उसमें भी काफ़ी हंसी आएगी, बिकॉज मनीषा की और मम्मी की जो हिंदी है ना बहुत फनी है। तो बाकी और चैलेंजेस क्या कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, तो वो आप कमेंट करके बताना। दोपहर के 3 बज गए और सुबह से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी कम जरूर हुई है लेकिन हल्की हल्की कनियाँ अभी भी पड़ रही हैं। देखो 3 बैग थे कपड़ों के, 2 बैग धो दिए हैं, एक जो बड़े वाला बैग था अभी तक मम्मी ने धोया नहीं है, मम्मी बोल रहे हैं उसमें से जो धोने वाले हैं वो बता दे। अभी इन्हें भांडे मम्मी ने सारे धो के रखते हैं, और भांडे मांग दिए भांडे क्या की मम्मी ने भांडे मांग दिए भांडे नहीं बर्तन हुंदा। एक आ धोना लिया, आ धोना लिया, अभी धोना लिया, मैं टोफियां खा रहा हूं, पर नहल दी गुलियां नु कहंदी टोफियां ने, एक बार खा के देख कितनी स्वाद ने, पता स्वाद हुंदे ना मम्मी, खा के तो देख। सुबह मम्मी के साथ पता क्या हुआ, सुबह सुबह मम्मी उठे, मम्मी ने ये पैकेट निकाला, मम्मी चाय पी रहे थे, कह रहे चल आलू भुजा खा लूंगी, इसमें राजमा निकले मम्मी खाते था नहीं सीधा, मतलब कट के और मतलब बिना देखे खा ले उन्हें। तो शक्ल देखो, ये शक्ल दंद दिखाइए, बड़े कमेंट आ रहे थे ये ब्रेसिस लगवा दो, दिखाई दिखाई तेरे दंद बाहर, एक दंद बाहर है तेरा इधर वाला है ना, लोड नहीं है क्यों ठंड लग रही थी तो मैंने टी शर्ट उतार के भी हुडी डाल लिया, बिकॉज यार ऐसे बीमार ना हो जाऊं। मेरी टोपी यार एक तो निधि मम्मी दोनों ने मेरे कपड़े दबने होंगे, दोनों ने एदा भी ओही काम कपड़े दबने वाला, निधि का भी दोनों। क्या आपके घर पे भी आपके भाई बहन है जो वो आपके कपड़े मतलब ऐसा दाब लेते हैं, क्या हिंदी है दाब लेते हैं, क्या आपके घर पे भी आपके भाई बहन कपड़े दाब लेते हैं? तो गाइस ठंड बहुत हो चुकी है तो ये जुराबे डालेंगे अभी हमें, ये दी थी निधि ने बुन के खुद हाथों से। अब कई लोग ये कमेंट करेंगे कि नहीं बजा रही है फलाना ढमकाना, यार पुराने ब्लॉग्स देख लेना, उसने मुझे दी थी ये खुद बुन के है। हाँ, तो हमारी पूरी फैमिली निधि के फैमिली को मिलने गई थी ना, तब निधि बुन रही थी उस दिन, आधी हुई थी ना, अद्धिया हुई थी उदो, तो उस तो बाद कुछ दिन बाद पूरी करके उन्हें देती थी सानू, एक जोड़ा मम्मी लिए बनाया सी, एक जोड़ा मेरे लिए बनाया थी, पर मम्मी वाला जोड़ा तो इन्हें दब लिया, ए दबण च बहुत कामयाब है कुड़िया, ओदे आ पिंक कलर दा तुहाडे आंदी नहीं मम्मी, साइज साइज दा प्रॉब्लम सी ना तुहाडे, मेरा ही पैर मोटा हो गया, फसदी फसदी नहीं, उन्हें हत्थां ना बुनियां, लोग की पैरां ना बुनदे जुराबे तू भी पाए पालिया फ्री दा माल तू पहला पाउनी वाह बेटे वाह मौज कर दी देखो गाइस अचार वाली डब्बी च ईयरबड्स पाए जा रहे गाइस इसको ना मैंने ये टोपी गिफ्ट करी थी आज ही ठीक है और ये देखो उतार के कहां फेंकी हुई है इसने कालो कालो तेनू इज्जत नहीं है चाचू ने तेरे गिफ्ट दिता तेनू मैं पावा है आ की किता वा बाल देख रैम्बो रैम्बो ओए रैम्बो रैम्बो आगी आगी आगी। सो गाइस ये गुल्लक मैंने शिमला लगाई हुई थी पैसे जोड़ने के लिए और ये लुधियाना तो इसमें मैं वैसे ज्यादा सेविंग करता था यहाँ ज्यादा जोड़ता था यहाँ पे कम पैसे डालता था लेकिन फिर भी मैंने अब सोचा यार इसको एक कर देता हूँ इसमें से जो पैसे हैं वो सारे निकाल के इसमें डाल देता हूँ। अभी इसकी एक प्रॉब्लम और है इसकी जो चाबी है वो नहीं है तो घूम गई है तो हम इसको तोड़ेंगे अब चम्मच से कोशिश करेंगे कुछ क्योंकि पेचकस वगैरह कुछ नहीं मिला खोलती गई तोड़ती तो चिब्बी होगी। वाह भाई वाह पहले 500 का नोट तो गाइस फाइनली कालो खुद खड़ी हुई है ये देखो क्या बात है कालो खड़ी होगी जी कालो खड़ी होगी।
पापा के लगे हुए हैं काम करने के लिए, सामान समून समेटने के लिए, अभी भी फ्री नहीं हुए। हो गए वैसे फ्री है ना, हो गया सारा काम है ना, सारा काम। एक दो तीन गेड़े के कपड़े होर पे दो तीन गेड़े के कपड़े होर पे धोने। ठीक है, कह रहे हैं अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और बारिश अभी तक नहीं रुकी, कंटिन्यूसली सुबह से बारिश हो रही है। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू। कोई रिएक्शन नहीं देता, बेइज्जती करती मेरी।